12 दिन की रेकी, एक रोशनदान और फिर बैंक का पूरा सोना साफ। नमस्कार, मैं हूं रेनू जोशी। एनबीटी क्राइम पर बैंक लूट की सीरीज जारी है। इस सीरीज में मैं आपको देश और दुनिया में हुई बड़ी बड़ी बैंक रॉबरीज की कहानियां बताती हूं। आज कहानी स्टेट बैंक में हुई सबसे बड़ी लूट की। यहां सोने के बदले लोन मिलता है। देश के सबसे विश्वसनीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लाखों लोग अपना सोना गिरवी रखकर लोन लेते हैं, और स्टेट बैंक इंडिया की ये वही ब्रांच थी जहां सैकड़ों लोगों के सोने चांदी के जेवर रखे गए थे। बैंक में कैश नहीं था, लेकिन लोगों की पूरी जिंदगी की सोने चांदी हीरे जवाहरात के रूप में जमा पूंजी यहां जरूर थी। लॉकर के अंदर स्ट्रांग रूम में रखा गया था प्योर सोना, जिस पर उसकी नजर थी। साल 2019, राजस्थान का करौली शहर। यहाँ के गुलाब बाग इलाके में SBI की सोने के बदले लोन देने वाली शाखा थी। वो जानता था कि इस ब्रांच में उसे काफी सोना मिल सकता है। वो जानता था कि वो एक ही दिन में यहाँ से करोड़पति बन सकता है, और इसलिए उसने प्लान बनाया बैंक में रखा सारा सोना साफ करने का। वो रोज बैंक के आसपास मंडराता रहा, दिन में रात में वो कोशिश करता रहा कि कैसे बैंक के अंदर से वो सोना बाहर ला सकता है। कुछ दिन की रेकी के बाद वो समझ चुका था कि अकेले वो इस काम को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सकता, और इसलिए उसने एक दो और साथियों को अपने इस काम में शामिल किया। उसने देखा कि बैंक के सामने एक मकान है जिसकी एक दीवार पर CCTV कैमरा लगा हुआ है। अगर ये कैमरा वहां रहता तो ये गैंग की सारी हरकतें साफ साफ कैमरे में कैद हो जाती, और इसलिए SBI बैंक डकैती के इस मास्टरमाइंड ने चोरी से कुछ दिन पहले इस CCTV कैमरे को तोड़ दिया। 8 अगस्त की देर रात काला नकाब पहने चोरों का ये गैंग गुलाब नगर की इस शाखा के करीब पहुंचा। प्लान के मुताबिक इन्होंने बैंक के पिछले हिस्से से जहां पर एक रोशनदान था वहां से अंदर जाना था। सबसे पहले कटर की मदद से रोशनदान को काटा गया। अब ये बैंक के अंदर आसानी से पहुंच सकते थे। करीब 3-4 चोर बैंक के अंदर पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि रोशनदान सीधा स्ट्रांग रूम तक पहुंचता था, और तिजोरी की चाबी भी अंदर ही पड़ी हुई थी। शायद ये बात इस लूट के मास्टरमाइंड को पहले ही पता थी। इसे बैंक की लापरवाही कहें या फिर चोर की चालाकी, उसे बैंक के अंदर का पूरा आइडिया था। इस गैंग ने अंदर जाकर चाबी से तिजोरी को खोला और वहां रखे लाखों करोड़ों के सोने चांदी के आभूषणों को अपने बैग में भर लिया। ये सभी वापस उसी रोशनदान के रास्ते सोना लेकर फरार हो गए। ना ही बैंक का ताला तोड़ा गया और ना ही कोई मारपीट हुई, ना कोई शोर शराबा, किसी को खबर भी नहीं हुई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस ब्रांच से करीब 70 से 80 लाख रुपए का सोना चोरी हो चुका था। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे गार्ड ने दरवाजा खोला। बाहर से सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। जब सफाई कर्मचारी सफाई के लिए अंदर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। तिजोरी खुली हुई थी और एकदम खाली थी। सारे गहने सोना चांदी गायब हो चुका था। मैनेजर को सूचना दी गई, पुलिस बुलाई गई, तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन ये सब बातें तो आगे की थी। चोरी तो हो चुकी थी, CCTV में भी जो तस्वीरें सामने आई वो ज्यादा क्लियर नहीं थी, क्योंकि लुटेरों ने नकाब पहना हुआ था। पास वाले मकान के CCTV कैमरे की फुटेज को जांच के लिए निकाला गया तो पता चला कि वो तो करीब 10 दिन पहले ही तोड़ दिया गया है। उस CCTV कैमरे में उस नकाबपोश की तस्वीर कुछ दिन पहले की कैद हुई थी। बैंक के CCTV में इसी बात से ये अंदाजा लगाया गया कि रॉबरी के मास्टरमाइंड ने करीब 12 दिन पहले ही लूट की प्लानिंग शुरू कर दी थी, और उस मकान में लगे CCTV को तोड़ना उसी प्लानिंग का एक हिस्सा था। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। बैंक रॉबरीज पर मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग कहानियां बताती रहूंगी। आगे की स्टोरीज के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक भी जरूर करें।